यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू PHONLY। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे मॉडर्न स्नाइपर गेम का, जो कि 9 MB के आसपास का गेम है और बहुत ही बढ़िया गेम है ये। मैंने एक बार पहले खेला था तो मुझे चांस मिला है ये लॉटरी का, तो लॉटरी खेलते हैं और देखते हैं क्या निकलता है हमारे पास। तो हमें मिला है 15 गोल्ड और हम इसे बैक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, स्टोरी मोड, एंडलेस मोड और अचीवमेंट्स। तो मोर गेम्स हैं और एंडलेस मोड ओपन करने के लिए आपको लेवल 5 क्लियर करना पड़ेगा। ये रहा कैरेक्टर, कैरेक्टर में आपका नेम है, ब्रेथ होल्डर है और फील्ड स्किल है। और तो सेटिंग्स में आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूज़िक और बस यही, और अचीवमेंट ये सब आपकी। और स्टोरी मोड पे क्लिक करते हैं तो ये है चैप्टर 1, इसमें आपको बहुत सारे चैप्टर मिल जाते हैं। चैप्टर्स के अंदर 5 लेवल्स हैं। तो ये चैप्टर 1 का 2nd लेवल है, 1st लेवल में पहले ही खेल चुका था। ऊपर की साइड आपको यहाँ पे टाइमर मिलता है, इतने टाइम में आपको ये गेम कंप्लीट करना पड़ता है। नीचे की साइड जो आपको ये हार्ट बीट सी दिख रही होगी, वो हार्ट बीट रोकने के लिए है। जब आप गोली चलाओगे तो हार्ट बीट रोकने के लिए ये है। तो अभी हम इसको क्लिक करते हैं तो ये रुक गया है अपनी जगह पे, और ये फायर का ऑप्शन आ रहा है। और साइड में आपको दिया हुआ है 1st एड और ऊपर की साइड आपको दिया हुआ है आपका इक्विपमेंट। साइड में यहाँ पे पॉज का ऑप्शन भी आपको मिलता है, और जब आप किसी प्लेयर को मारोगे तो आपको ये भी बताएगा कि कितने एनिमीज आपके लेफ्ट हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट 3 एनिमीज, और नीचे आपके अचीवमेंट भी आ रहे होंगे 2 कॉम्बोज जैसे अभी आया था। तो यहाँ पे आपको इतने सारी चीज़ें मिलती हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये रिलोड हो रही है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट गेम अंडर 10 MB तो ये 1st नंबर पर आता है। मैंने सर्च किया था तो 1st नंबर पर आया था। इस गेम का नाम है मॉडर्न स्नाइपर। साथ ही इस गेम से ग्राफिक्स बहुत ही बढ़िया है और ये बिल्कुल हैंग नहीं हो रहा है। आप इसे किसी भी फ़ोन में खेल सकते हैं। 9 MB का ये गेम है, बिल्कुल क्या बोलूँ, बिल्कुल मस्त गेम है ये। तो देखिए हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। तो ये रहा हमारा गन और वीडियो इज ऑन इट्स वे। अगर हमको गोल्ड चाहिए तो हम वीडियो देख सकते हैं, अगर हम वीडियो देखेंगे तो हमें 1 गोल्ड मिलेगा। ये रहा, आप गोल्ड के बदले पैसे ले सकते हैं, और वो रहे आपके कैश, लॉजिस्टिक्स और द टाइम इज़ आउट यहाँ पे देखा हुआ रहा है। तो हम फिर से करते हैं, तो अब हम कैरेक्टर में जाके फिल स्किल को अपग्रेड कर देते हैं, और साथ ही यहाँ पे ब्रेथ होल्ड को भी अपग्रेड करने का ऑप्शन था तो हमने अपग्रेड कर दिया। तो ये रहा हमारा कैरेक्टर, और ब्रेथ होल्ड हमारा बढ़ चुका है और फिर स्किल भी हमारा बढ़ चुका है। तो हम फिर स्टोरी मोड में जाने से पहले एक बार स्पिन कर लेते हैं। तो 10 गोल्ड के बदले हम स्पिन करते हैं, तो अब की बार हम मिला है 1500 कैश, और हमारे पास जो पैसे हो चुके हैं वो हो चुके हैं 1725। और फिर खेलेंगे फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड लेवल। और ये रहा हमारे पास लेवल, साथ ही आप में यहाँ पे साइड में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, और ऊपर की साइड आपको गन दिख जाती है, कौन सी गन है इस वक्त आपके पास। साथ ही यहाँ पे ऊपर की साइड ब्लड दिया हुआ है कि कितना ब्लड एनिमी का बचा है और कितना ब्लड हमारा बचा है। और यहाँ पे लिखा है लेफ्ट 2 एनिमी, तो अभी 2 एनिमी बचे हैं, हम उन्हें भी मारते हैं। ये रहा पहला, तो ये मर चुका है, और हमारे पास बचा है अब एक सिर्फ 1 एनिमी, और वो मिल गया हमें, और अब हम इसको मारेंगे और अपना गेम जीतेंगे।
हनीमून मर ही नहीं रहा है, हमारा टाइम कम होता जा रहा है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और ये हम फिर हार गए। एक एनिमी हमारे पास बच गया था, तो ये साइड नया डाला था। योर वेपन सीम्स टू बी अंडर पावर, तो हम नया वेपन खरीदते हैं। और ये रहा नया वेपन SUD, तो हम इस पर बाय पे क्लिक करते हैं। तो ये 5 गोल्ड के बदले हमने खरीद लिया है। और अब ये गन हुई हमारी, यहाँ पर दिखा रहा है द टाइम इज़ आउट रिटायर करने के लिए 2 गोल्ड।